इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कर आचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा।